वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में, बट उससे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो काफी सारे लोगों को पता होगा खादी ग्लोबल्स, या फिर आप में से कुछ लोग खादी ग्लोबल्स के कुछ प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे होंगे, बिकॉज ये एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ब्रांड है, यू नो, जिसके बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स एंड बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने भी अपने चैनल पे, अपने सोशल मीडिया ऐप पे, यू नो, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज शेयर किए, पॉजिटिव रिव्यूज शेयर किए हैं। बट कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट का एक पॉलिसी आया है जिसमें कि उन्होंने ये चीज कहा है कि कोई भी इंडियन ब्रांड अपने ब्रांड में खादी वर्ड यूज नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से इन सबको मद्देनजर रखते हुए खादी ग्लोबल्स ने जो है अपनी रीब्रांडिंग करवाई है, और अब उनका खादी ग्लोबल से नाम चेंज होके दी इंडिया अर्थ में चेंज हो गया है। तो अगर आप लोग खादी ग्लोबल्स के प्रोडक्ट यूज करते हैं या फिर यू नो आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप सर्च कीजिएगा दी इंडिया अर्थ। सो उनकी रीब्रांडिंग हो गई है और इनके प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं ना वो बहुत ही नेचुरल होते हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स सारे नेचुरल होते हैं, प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। और हाँ, अगर आप लोग पहले से यूज कर रहे हैं तो डोंट वरी, इनके सिर्फ नाम चेंज हुए हैं, जो क्वालिटी आपको पहले मिलती थी, जो भी इंग्रेडिएंट्स होते थे, जितने भी यू नो प्रोडक्ट्स थे, वो सब कुछ वही है, बस इनके नाम चेंज हुए हैं। और उन्होंने लास्ट मंथ सितंबर में ही अपने पूरे कंप्लीट रेंज का चेंज किया है, यू नो लाइक उनके लेबलिंग एंड पैकेजिंग में चेंज हुआ है बिकॉज उन्होंने नाम चेंज किया है, बट क्वालिटी आपको वही मिलेगा, हर एक प्रोडक्ट जो भी आपको पहले मिलते थे वो सब कुछ मिल जाएगा, बस नाम चेंज होके दी इंडिया अर्थ में चेंज हो गया है। और आज मैं उनके दो प्रोडक्ट्स के रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो ये प्रोडक्ट्स है दी इंडिया अर्थ के रेड अनियन हेयर ऑयल एंड हेयर शैम्पू, और ये कॉम्बो पैक में है, आप चाहे तो इसके सिंगल सिंगल भी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो यू नो मैंने हमेशा ही बात किया है, जब भी मुझसे कोई भी हेयर फॉल या फिर यू नो हेयर ग्रोथ के प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं तो मैं उनको हमेशा रिकमेंड करती हूँ अनियन ऑयल, बिकॉज यू नो अनियन ऑयल जो होता है हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, और इनफैक्ट आपको अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो डैंड्रफ को भी रिमूव करता है, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो यू नो नेचुरली या फिर हम घर पे अनियन ऑयल बनाए इतना किसी के पास टाइम नहीं है, तो आप कुछ अच्छा हेयर ऑयल चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। और ये मुझे काफी टाइम पहले ही रिसीव हुआ और तब से मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ, और मुझे अपने बालों पे चेंजेस दिखा है, और इसीलिए मैं आज इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है और इसमें होते हैं ये आपका वो भी रेड अनियन है, यू नो रेड अनियन बहुत ही अच्छा होता है आपके बालों के लिए। तो ये है दी इंडिया अर्थ का रेड अनियन एंटी हेयर लॉस एंड हेयर ग्रोथ विद अरबियन ओट एसेंशियल ऑयल, एंड इसके साथ साथ 29 नेचुरल बोटानिकल ऑयल एसेंशियल ऑयल एंड एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो सिर्फ इसमें रेड अनियन ऑयल नहीं है, इसके साथ आपको एसेंशियल ऑयल्स एंड यू नो लाइक 29 से भी ज्यादा नेचुरल बोटानिकल ऑयल है एंड एसेंशियल ऑयल्स हैं, और ये 100% नेचुरल एंड सेफ है बिकॉज इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, तो ये आपके हेयर को यू नो हेयर को डैमेज नहीं करता है, और ये 100% नेचुरल एंड प्योर है। और इसके इंग्रेडिएंट्स है जो भी इंपॉर्टेंट है मैं वो बस थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। रेड अनियन ऑयल एक्सट्रैक्ट है, करी लीफ एक्सट्रैक्ट है, अरबियन ऑयल एसेंशियल ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, जोजोवा ऑयल है, आंवला है, हिबिस्किस एक्सट्रैक्ट्स है, नीम ऑयल है, सिया बटर है, ऐसे काफी सारे नेचुरल जो हम यू नो लाइक उसके पेस्ट बना के उनके ऑयल को निकाल के अपने बालों पे लगाते रहते हैं, बट क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है तो हम वो सब चीजें एक जगह अगर चाहते हैं तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है आप सबके लिए अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। और इसके साथ साथ ही ये है दी इंडिया अर्थ का रेड अनियन हेयर शैम्पू, और ये भी 100% नेचुरल एंड सेफ है, केमिकल फ्री है, और इसमें है इसमें कोई भी SLS नहीं है, SLES नहीं है, और पैराबेन नहीं है, और ये 200 ml का है, और ये ऑयल भी है 200 ml का, और ये दोनों कॉम्बो पैक में आता है, आप अगर सिंगल सिंगल लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। और मैंने इसको काफी टाइम से ट्राई किया और मैं अभी आप लोग के साथ वीडियो में आगे शेयर करने वाली हूँ कि इसको मैं कैसे यूज करती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को आगे देखते हैं। Oh, oh, oh.
दिख रहे हैं। आप सभी लोग को पता है कि ये मेरा नेचुरल हेयर है, मैंने कोई भी यू नो स्ट्रेटनिंग नहीं करवाई है, मैंने कोई कंडीशनर यूज नहीं किया, सिर्फ मैंने इस रेड अनियन ऑयल को यूज किया एंड इसको 30 मिनट्स के बाद मैंने इस शैम्पू से अप्लाई करके यूज किया एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना काफी माइल्ड है, यू काफी ज्यादा नहीं है, हल्का हल्का आपको ये अनियन का स्मेल आएगा बट वो ज्यादा नहीं है आपके यू नो ऐसा स्मेल नहीं है जो आपको हेडेक होने लगे, हल्का सा माइल्ड स्मेल आता है बट जो शैम्पू की स्मेल है ना वो काफी अच्छी है, यू नो बहुत प्यारा सा लाइक फ्लावरी टाइप का स्मेल आएगा, जिस वजह से आपके अगर ऑयल की स्मेल आपको पसंद नहीं आ रही है तो शैम्पू से वो कवर हो जाता है एंड मेरे बाल काफी ज्यादा स्मूथ एंड शाइनी एंड यू नो लाइक जब मैं ऐसे करती थी बालों में से बाल टूटते थे, यू नो इतने ज्यादा बाल टूटते थे बट मैंने इसको रेगुलर, हाँ कोई भी चीज जो है वो एक दिन में काम नहीं करता है, आपको कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, तो इसको भी आप अगर यू नो एक दो हफ्ते यूज करते हैं तब जाके आपको डिफरेंस दिखेगा, एक दिन के अंदर ही ऐसा नहीं है कि हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा और हेयर ग्रोथ होने लगेंगे, कुछ टाइम इसको यूज कीजिए उसके बाद आपको डिफरेंस अपने बालों पे जरूर दिखेगा। और हाँ अगर आप लोगों को ये दी इंडिया के शैम्पू या फिर यू नो लाइक ऑयल और शैम्पू आपको कुछ भी लेना है, ये दोनों कॉम्बो पैक लेना और या फिर आपको दी इंडिया के कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय।